दोस्तों नमस्कार, टीवी वन इंडिया के खास कार्यक्रम सवाल है में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि पनवेल महानगर पालिका क्षेत्र में दो प्राधिकरण काम करते हैं, एक महानगर पालिका और दूसरा सिडको, और इस क्षेत्र में डबल टैक्स को लेकर बड़ा विवाद पैदा हुआ है। पिछले एक साल से ये मामला कानूनी हो गया है, अदालत में चल रहा था। हाईकोर्ट ने एक दिन पहले इस पर बड़ा फैसला सुनाते हुए तीन याचिकाओं में से दो याचिकाओं को रद्द कर दिया है। जाहिर सी बात है, यह पनवेल महानगर पालिका और सत्तारूढ़ बीजेपी के लिए बड़ा फैसला है। इसे लेकर बीजेपी की निष्कासित नगर सेविका लीना गरड ने मुकदमा दायर किया था और उनका आरोप था कि सत्तारूढ़ बीजेपी जानबूझकर लोगों पर डबल टैक्स जो है लाद रही है, महानगर पालिका और सिडको जबरन इसकी वसूली कर रही है। इस वक्त हमारे साथ सभागृह नेता रह चुके परेश ठाकुर साहब हैं, आपके नेतृत्व में यह पूरी महानगर पालिका चली है। ऐसे में जो हाईकोर्ट का हालिया निर्णय आया है, इस पर आपकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है और किस तरह से लोगों को डबल टैक्स राहत दिलाने की आपकी कोशिश चल रही है, इन तमाम सवालों पर आप आज हम इनसे जवाब जानने की कोशिश करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल आपसे यही है सर कि हाईकोर्ट ने एक बड़ी राहत दी है, जो महानगर पालिका पर आरोप लग रहे थे कि डबल टैक्स वसूली चल रही, एक तरफ सिडको सर्विस टैक्स वसूल रही है और दूसरी तरफ महानगर पालिका संपत्ति कर वसूल रही है, अब इस मुकदमे पर एक बड़ा फैसला आ गया है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? कोर्ट ने यहाँ पे एक बड़ा फैसला यहाँ पे दिया हुआ है जो काफ़ी देर पहले देना जरूरी था, पर कोर्ट अपने गति से चलता है और उसकी वजह से देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि पनवेल महानगर पालिका की स्थापना 1 अक्टूबर 2016 को हुई और होने के बाद में टैक्स उस टाइम से ही प्रॉपर्टी टैक्स तब से ही लग गया। तो अपेक्षा ये थी कि जो कोई उनकी कर रचना होगी, जो कि जो भी उनकी दर रचना होगी, ये दोनों चीज़ें हैं वो जल्दी से जल्दी डिसाइड हो, पर यहाँ पे अफसोस की बात की ये जल्दी नहीं हो सका, क्योंकि जब शहर जब नया बनता है तो शहर बनने के बाद में पहला यहाँ पे प्रशासन का यहाँ पे प्रशासन अस्तित्व में आना, उनका अरेंजमेंट होना, ये इन चीज़ों को बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो उस तरीके से जब ग्राम पंचायत यहाँ का एरिया है, मतलब 110 स्क्वायर किलोमीटर में सिर्फ 3 स्क्वायर किलोमीटर में पुराना पनवेल था जहाँ पे 350 लोग काम कर रहे थे, और जब यहाँ पे पनवेल महानगर पालिका अस्तित्व में आई तो बाकी के 350 लोग जो ग्राम पंचायत में थे ये लोग भी महानगर पालिका के अंडर काम करने लगे। तो उनका यहाँ पे किसका ड्यूटी कहाँ पे कैसे होगा, इसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस था। इसके साथ में फिर ये जो कर रचना और दर रचना, इसके बारे में यहाँ पे अभ्यास किया गया और उसके साथ में यहाँ पे फिर नई कर रचना, नई दर रचना सिस्टम जो है ये अस्तित्व में आने में एक तो उन्होंने काफ़ी वक्त लगाया और 3-4 साल इसमें ही लग गए, और तीन चार साल के बाद में फिर जब ये लगाई गई सिस्टम, तो लगाने के बाद में ये जाहिर होने के बाद में फिर यहाँ पे कुछ एनजीओस थे, तो ये एनजीओस थे वो कोर्ट में गए, तो हर एक का खुद का कहना रहता है, हर एक का रहता है कि नहीं, जो कोई दर रचना हो, जो कोई कर रचना हो, ये कम हो, ये हर एक की अपेक्षा होती है कि इससे कम हो सकता है क्या, और इसके लिए झगड़ना यह हर एक का अधिकार है, तो उसके अधिकार के लिए कोई सब झगड़ते हैं, हम भी झगड़ते हैं, हम भी प्रयत्न करते हैं, पर यहाँ पे ऐसा किया गया कि नहीं, ये कर रचना ही गलत है, ये होनी नहीं चाहिए थी, इस तरीके का माहौल एक बनाया गया, तो ये माहौल बनाना ये गलत बात थी कि खुद के इस्तेमाल के लिए, खुद का यहाँ पे पॉलिटिकल करियर खड़ा हो, इसके लिए इस प्रकार का प्रयत्न किया गया है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि भारत का कोई भी गांव हो, कोई भी शहर हो, वहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स ये लागू होता ही है, तो इस तरीके से यहाँ पे लागू किया गया है, और यहाँ पे हमने बार बार पनवेल महानगर पालिका ने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि किस तरीके से
पूरे एमएमआर जोन में, एमएमआर जोन मतलब मुंबई, थाना, नवी मुंबई, कल्याण डोंबिवली, उल्लास नगर, वसई विरार, भिवंडी और पनवेल, ये सब जोन में उल्लास नगर के बाद में अगर किसका कम रेट होगा तो वो पनवेल महानगर पालिका का है। तो इसकी मतलब इस तरीके से अभी ये मैं बात कर रहा हूँ, एनुअल रेटेबल वैल्यू इसका भी बात कर रहा हूँ, इसके साथ में ही हमने टैक्स लगाया हुआ है वो 37-38% ये लगाया हुआ है। तो दोनों तरीके से अगर देखा जाए तो पनवेल महानगर पालिका में रेट कम है, तो ताकि लोगों पे कम से कम यहाँ पे लोड आए इसके लिए इस तरीके की दर रचना ये की गई। और ये कर रचना जब यहाँ पे लागू की गई तो लागू करने के बाद में आज एक तो पनवेल महानगर पालिका एकदम नई है, ऐसा नहीं है यहाँ पे कि यहाँ पे बाकी सभी नगर पालिका थी, बाकी छोटे छोटे शहर थे और इनको लेके किया गया है, ऐसा नहीं है। सिडको यहाँ पे 1970 से लेके सिडको यहाँ पे काम कर रही है। सिडको ने यहाँ पे अगर हम बिल्डिंगें देखे जाए, यहाँ पे हम रास्ते देखते हैं तो हमें लगता है कि वाह सिडको ने काफी अच्छा काम किया हुआ है। पर अफसोस से कहना पड़ता है कि जब हम देखते हैं कि सिडको कहना है कि हम तो डेवलपर है, सिडको खुद को एक डेवलपर करके दिखाती है, खुद को बताती है, और फिर एक डेवलपर ने कम्युनिटी सेंटर, मार्केट ये भी खड़े करने चाहिए थे, ये इन्होंने खड़े किए नहीं है। सिडको एरिया में एक बड़े तौर पे इंक्रोचमेंट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये पहले भी था, आज भी ठीक ठाक है, पर पहले ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा तरीके का था। तो इसको ये समस्याओं को यहाँ पे फेस करना इम्पोर्टेंट था, और ऐसे पोजिशन में यहाँ पे लोगों में गलत फहमियाँ फैलाई गई, ये बहुत गलत था। तो यहाँ पे कोर्ट ने दिया हुआ जो फैसला है ये आज इन लोगों के बातों में जो आए हुए हैं, इन्होंने जिनको गलत फहमियों में इन्होंने जिनको अटकाया कि नहीं ये ऐसा होना ही नहीं चाहिए था वगैरह, ऐसा एक बड़ा इन्होंने एक यहाँ पे एक गलत तरीके का माहौल इन्होंने खड़ा किया था, उसकी वजह से लोगों को आज यहाँ पे फाइन भरना पड़ेगा। तो ये बहुत गलत चीज हुई है, पर देरा है पर दुरुस्त है, ये न्याय से यहाँ पे कोर्ट ने जो फैसला दिया हुआ है अच्छा हुआ। तो ये अभी जो कुछ सीन है वो अभी सबके सामने आया हुआ है, इसके आगे तो अभी लोगों को यहाँ पे बहकाने का जो तरीका है या जो प्रयत्न है वो होगा नहीं, ऐसे में अपेक्षा करता हूँ। सर एक जो याचिका के हवाले से जो आरोप लगाया गया था कि आपके नेतृत्व में जो रेटेबल वैल्यू है और जैसे आपने खुद भी जिक्र किया कि जो कर का जो दर है वो दोनों में फैसले गलत लिए गए, आप सीधे टारगेट में थे और आपके नेतृत्व में ये फैसले लिए गए, ऐसा क्लियर आरोप था, क्या वाकई ऐसी कोई गलती हो गई थी जिसे आगे सुधारने की कोशिश की जाएगी? इसमें सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे ये जो रेट है, पहला तो इसमें रहता है एआरवी, एनुअल रेटेबल वैल्यू, एनुअल रेटेबल वैल्यू ये डिसाइड करने का पूर्ण अधिकार ये महानगर पालिका को मतलब गवर्नमेंट को, प्रशासन को होता है, तो वो उनके अधिकार में ये लेते हैं। और फिर ये जो टैक्स मतलब ये मैंने बताया वो दर रचना, और कर रचना जो है, कर रचना भी जो थी, तो वहां पे हमने यहाँ पे डिसाइड किया कि कुछ भी करके नई मुंबई महानगर पालिका से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल ये कम है, जब तक हम एक अच्छे लेवल में आते नहीं है, नई मुंबई के मुकाबले हम कहीं पे खड़े होते नहीं है, तब तक नई मुंबई से पनवेल महानगर पालिका का रेट जो है टैक्स का रेट वो कम हो, इसके लिए हम आग्रही थे, उस तरीके से लगाया गया। फिर कर प्रणाली यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के बाद में जब हमने देखा कि एनुअल रेटेबल वैल्यू ये भी ज्यादा है, तब हमने इसकी मांग प्रशासन के पास की और 30% यहाँ पे हमने रेट कम करवा के लिया, जिसकी वजह से ये रेट जो है ये आज हम कह सकते हैं कि एमएमआर जोन में उल्लास नगर के बाद में सबसे कम रेट ये हमारा है। सबसे कम। एक जो बात सबसे क्लियरली दिखती है, जो ट्रांसपेरेंट तरीके से दिख रही है,
पनवेल महानगर पालिका क्षेत्र दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक वो है जो सिडको विकसित जोन है, जहां सिडको फैसिलिटी देती है, एमिनिटीज देती है, और उसके बदले वो सर्विस टैक्स वगैरह वसूलती है। दूसरा इलाका है जो पनवेल मनपा क्षेत्र का है। लेकिन जो मुद्दा उठाया गया था, ये उठाया गया था कि पनवेल महानगर पालिका भी प्रॉपर्टी टैक्स वसूल रही है जो फैसिलिटी सिडको जोन में नहीं देती है, और दूसरी तरफ सिडको भी सर्विस टैक्स वसूल रही है, इसलिए ये दोहरा टैक्स है। आपको लगता है कहीं कहीं स्ट्रक्चर ठीक करने की जरूरत है पनवेल महानगर पालिका क्षेत्र में? सर जी, पहला चीज तो ये है कि ये प्रॉपर्टी टैक्स, ये प्रॉपर्टी टैक्स ये ऑप्शनल नहीं होता, वो कंपल्सरी वो देना ही होता है आपको। और वो इसलिए क्योंकि आज शहर जो कोई लेवल में है, शहर को आगे प्रगति करनी है, ये शहर आगे 200 साल 300 साल 400 साल और जब तक यहाँ पे विकास चलता होगा तब तक ये शहर बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज ये यहाँ पे डेवलप करनी ये ज़रूरत होती है। और कोई भी शहर के लिए, कोई भी लोकल बॉडी के लिए टैक्स ये उनका खुद का एक अच्छा रेवेन्यू का जरिया ये होता है। और इसकी वजह से प्रॉपर्टी टैक्स तो लगता ही, इसकी वजह से गवर्नमेंट ने इसको कंपल्सरी टैक्स ये किया हुआ है। ये एक तो पहली चीज है। दूसरा चीज है कि सिडको यहाँ पे सर्विसेज जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज है, तो वो सर्विसेज में जैसे रोड आए, सर्विसेज में जैसे सीवरेज लाइन या बाकी स्ट्रीट लाइट्स या उसके साथ में एसटीपी प्लांट्स और ये सभी सर्विसेज है, ये सर्विसेज अच्छे लेवल के सर्विसेज दे नहीं रही है, अच्छे क्वालिटी के सर्विसेज दे नहीं रही है। इसके लिए ही तो लोगों ने यहाँ पे माननीय विधायक जी प्रशांत ठाकुर साहब होंगे या रविंद्र चौहान साहब होंगे और इन सब की ओर से देवेंद्र फडणवीस साहब के पास ये डिमांड की गई कि सिडको इसको अच्छी तरह से संभाल नहीं रही है, इसके लिए पनवेल महानगर पालिका की यहाँ पे स्थापना की जाए और पनवेल नगर महानगर पालिका की ओर से इनको हैंडल किया जाए। तो ये मांग तो मतलब थी, इसकी वजह से ही तो पनवेल महानगर पालिका की स्थापना हुई है। अभी स्थापना होने के बाद में कोई तो एक यहाँ पे एक टप्पा होगा जहां पे जाके सिडको से पनवेल महानगर पालिका को ये हैंडओवर होने वाला है, ये इम्पोर्टेंट है। ये अगर यही चीज नवीन मुंबई महानगर पालिका में आप जब देखते हैं, नवीन मुंबई महानगर पालिका की शायद 95 की स्थापना है, 95 और 95 की स्थापना के बाद में घनसोली का हैंडओवर है, वो तो अभी 3 और 4 साल पहले इतना इतने साल यहाँ पे लगाए गए हैं, मतलब हम कह सकते हैं 15 से 18 साल नवीमई में लगाया गया है। और यहाँ पे उसके मुकाबले आज पनवेल महानगर पालिका में इन्होंने एसटीपी प्लांट और पानी, ये दो सुविधाएं को अगर छोड़ा जाए तो बाकी सभी सुविधाएं इन्होंने अभी ये अप्रैल मई महीने में उन्होंने हस्तांतरित हैंडओवर की हुई है। तो और अभी उसकी वजह से जैसे हैंडओवर की है तो अभी हमने मतलब चलो सिडको को बताया हुआ है कि अभी आपने ये सर्विसेज हैंडओवर की है तो अभी आपने यहाँ पे सर्विस चार्जेस ये जो आप लोगों से लेते हैं आपने लेना नहीं चाहिए। यहाँ पे हम देवेंद्र फडणवीस साहब को भी हम मिले थे और देवेंद्र फडणवीस साहब ने भी यहाँ पे सिडको को बताया हुआ है, सिडको ने भी ये इसको एक लेवल पे इन्होंने मतलब चलो इन्होंने मंजूर तो किया है कि नहीं अभी सर्विस चार्जेस लगेंगे नहीं और हम इसके लिए कर रहे हैं कि बाबा नहीं बाबा अभी उन्होंने उसका टैक्स भी भेजना, टैक्स का पावती भी भेजना नहीं चाहिए कि भाई आपको ये चार्जेस भरना पड़ेगा। तो एक अप्रैल 2022 से उनको सर्विस चार्जेस नहीं लगे, इसके लिए भी हम यहाँ पे उतनी जिस तरीके से हम पनवेल का विकास हो इसके लिए यहाँ पे हम प्रयत्नशील है, उसी तरीके से सिडको भी ये चार्जेस भेजे नहीं इसके लिए हम भागदार है और लोगों को भरना नहीं पड़े इसके लिए भारतीय जनता पार्टी पनवेल ये कटिबद्ध है। सर आपने मेरे सवाल का बहुत बढ़िया आपने ग्राउंड तैयार कर दिया। जो यहाँ पर एक कंफ्यूजन इस मुकदमे के बाद, ये याचिकाओं के बाद पैदा हो गया है, बहुत सारे लोगों ने टैक्स भरना बंद कर दिया, जिस तरह की अपील की गई थी कि आप टैक्स ना भरें पूरी तरह से छूट मिलेगी, अब कंडीशन ऐसी है कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद टैक्स भरना कंपलसरी हो गया एक तरह से। ऐसे में आपको लगता है जो पब्लिक के मन में कंफ्यूजन है इसे दूर किया जाना जरूरी है क्योंकि पेनाल्टी और बढ़ेगी, बर्डन और बढ़ेगा और इसकी भरपाई करना वैसे भी मुश्किल होगी क्योंकि लोग पहले से आर्थिक तंगी में। एक तो मैंने जैसे अभी भी बताया तो
लोगों को टैक्स के बारे में यहाँ पे गलत जानकारी दी गई, जब लोगों को टैक्स का बिल उनको जब आया तो वो आने के बाद में उनको इस तरीके से बताया गया कि नहीं ये टैक्स गलत है और यहाँ पे ये कम, हम कोर्ट में जाएंगे, ये इन्होंने रेट जो इसका है वो बहुत ज़्यादा है, जिस तरीके से दिया हुआ है वो गलत है, तो ये हम कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट में हम ये कोर्ट में इसके खिलाफ हम जाके लड़ेंगे और यहाँ पे ज़रूर हम जीतेंगे। तो चीज़ ये थी कि यहाँ पे एक तो लोगों को काफ़ी बहकाया गया, तो और वो गलत तरीके से बहकाया गया, तो लोगों को भी ऐसा लग रहा था कि ये जब बात कर रहे हैं वो सही बात कर रहे हैं और पनवेल महानगर पालिका ये यहाँ पे गलत टैक्स लगा रही है, इस तरीके का एक माहौल खड़ा किया गया। ये माहौल एकदम गलत था। आज इसकी वजह से पहले तो यहाँ पे पनवेल महानगर पालिका ने यहाँ पे काफ़ी टाइम के लिए यहाँ पे डिस्काउंट का पीरियड दिया हुआ था और बाद में अभी उनको फाइन भी लग रहा है ऐसा है। तो पहले तो उन्होंने ये डिस्काउंट वाला जो टाइम था, डिस्काउंट का फायदा लोगों ने उठाया नहीं और अभी फाइन भी लग रहा है। तो अभी यहाँ पे उल्टा सवाल ये आ रहा है कि फिर ये जो फाइन लग रहा है इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये इसके लिए जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे लोगों को बहकाने का काम किया हुआ है, जिन्होंने अभी तक कोर्ट में बाकी कैसे चले थे उसका गलत मतलब निकालने का, खुद की जरूरत के लिए गलत मतलब निकालने का काम जिन्होंने किया हुआ है वही यहाँ पे जिम्मेदार है, वही लोग इसके लिए जिम्मेदार है ऐसा मुझे लगता है। सर अभी ये मामला अभी इस तरह से हो गया है कि कहीं ना कहीं अभी एक याचिका अभी भी विचाराधीन है, तो किस तरह से बीजेपी और आप लोग कैसे इसको आगे पहल करेंगे कि जनता को राहत मिले? जो टैक्स अभी पेनाल्टी लग रही है उसमें छूट मिला, आप जैसा कि खुद भी आपने पहले कहा कि आप खुद प्रयास कर रहे हैं कि डिप्टी सीएम के जरिए जो सर्विस टैक्स है उसमें राहत मिल जाए और वो ना वसूला जाए, आने वाली लड़ाई कैसी होगी? क्योंकि अभी भी एक याचिका विचाराधीन है और हाईकोर्ट ने एक इंडिकेशन भी दिया है, एक सुझाव भी दिया है कि आप जनहित याचिका इसके बदले रिट पिटीशन के बजाय आप दाखिल कर सकते हैं। आपको लगता है कि ये लड़ाई और भी आगे जा सकती है? अगर जाती है तो फिर आप लोग कैसे भूमिका निभाएंगे कि लोगों को राहत भी मिले और कानूनी विवाद न बढ़े? मुझे लगता है ये लड़ाई नहीं है, ये गलतफहमी फैलाने के लिए किया हुआ प्रयास है। तो ये प्रयास को यहाँ पे कोर्ट ने यहाँ पे ब्रेक लगाया हुआ है, सबसे अच्छी बात है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि आज ये गलतफहमी फैलाई गई और उसके साथ में शहर को अगर विकास करना है तो विकास करने के लिए यहाँ पे पैसे की जरूरत होती है। तो जिस तरीके से कोई पहल की गई है कि यहाँ पे लोग टैक्स ना भरे, ये एकदम गलत प्रयास था, तो इसको यहाँ पे रोक लगाई गई है। और मुझे लगता है कि अभी ये दूसरी केस है, दूसरी केस भी बहुत जल्दी उसका निकाल आ जाएगा और इसका ये केस और दूसरा केस दोनों में कोई बहुत बड़ा ऐसा अंतर नहीं है, अंतर नहीं। तो लोग अभी कोई किसी के भी बहकावे में आएंगे नहीं, जल्दी जल्दी टैक्स भरेंगे और इसका फायदा यहाँ पे महानगर पालिका को फिर ये सिडको एरिया में नए नए प्रोजेक्ट्स लाने में और जो फिलहाल वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज पनवेल महानगर पालिका देना चाहती है, क्योंकि मई महीना में यहाँ पे रोड के जैसे बाकी प्रोजेक्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज ये हस्तांतरित हुई है, तो अभी बारिश खत्म होने के बाद में वहाँ पे इनके कंडीशंस अच्छे कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। तो अगर टैक्स जितना ज़्यादा मिले उतना पनवेल महानगर पालिका को ज़्यादा से ज़्यादा आसान होगा कि वो अच्छे लेवल के फैसिलिटीज यहाँ पे लोगों को दे। सर आखिरी दो सवाल सर, अब चूंकि पनवेल महानगर पालिका में लोक प्रतिनिधि नहीं है, महानगर पालिका कार्यकाल खत्म हो गया, प्रशासक के तौर पर अभी देशमुख जी काम कर रहे हैं, ऐसे में किस तरह से डेवलपमेंट वर्क को, नागरिक सेवा सुविधाओं को कैसे मॉनिटर किया जा रहा है, आप लोग कैसे मॉनिटर कर रहे हैं ताकि भले ही सत्ता नहीं है इस वक्त, इसके बावजूद भी लोगों को किसी तरह की नागरिक समस्या ना होने पाए, सेवा सुविधाओं में कोई कमी ना होने पाए? भारतीय जनता पार्टी की एक खासियत है कि वो चुनाव रहे या चुनाव के बाद का टाइम रहे, काम करते रहना ये सबसे बड़ी खासियत है। यहाँ पे हमेशा किए हुए काम का हमेशा यहाँ पे हिसाब ये मांगा जाता है और उसकी वजह से हमारे जो नगर सेवक चुन के आए हुए थे आज भले ही
वो यहाँ पे एक्स कॉर्पोरेटर करके हो गए हैं, फिर भी वो उतने ही एक्टिव है और हमारे मीटिंग्स ये रेगुलर अभी भी चलते रहते हैं, और किसका काम कहाँ तक आया हुआ है, कितना आया हुआ है, और उसके साथ में ही लोगों तक जाना, हम भारतीय जनता पार्टी में हम बूथ लेवल तक जाते हैं, तो उसकी वजह से आज हम बूथ लेवल की मीटिंग्स भी हमारे बार बार चलते रहते हैं। जैसे कि अभी अभी हर घर तिरंगा अभियान ये चलाया गया, हर घर तिरंगा अभियान के माध्यम से भी हम बूथ तक हम पहुंचे, बूथ की मीटिंग्स लिए, तो हमें बार बार फिर मतलब चलो लोगों की राय क्या है, कहाँ पे क्या क्या समस्या है, और उनको सॉल्व करने के लिए किस तरीके का प्रयास किया जाना चाहिए, इसके लिए हम बार बार हम चर्चा करते हैं। और उसके साथ में पनवेल महानगर पालिका प्रशासन ये भी एक अच्छी तरह से काम कर रहा है, आज उनके पास काफी कम स्टाफ है पर वो कोशिश तो अच्छी कर रहे हैं, और हम भी लोगों तक पहुंचने के लिए काफी अच्छी तरह से हम प्रयास कर रहे हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे हम एक लोगों तक हम लोगों तक पहुंच के लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व हो, उसके साथ में ही वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स वहाँ पे आए, इसके लिए हम कोशिश कर रहे थे, कोशिश कर रहे हैं और आगे की इसमें भी करेंगे। इलेक्शन जब भी आए, इलेक्शन की वजह से कोई भी यहाँ पे महानगर पालिका विसर्जित हो गई है, तो विसर्जित हुई है तो वो सिर्फ मतलब वो कॉर्पोरेटर का वो उसका जो कालावधि था वो खत्म हो गया है, पर उसका काम खत्म नहीं हुआ है, वो अभी भी वहां इसके लिए जिम्मेदार है और वो जिम्मेदारी से वो काम आगे भी करता रहेगा। आखिरी सवाल सर जी, इसे आप लोग कह रहे हैं कि पॉलिटिकल मोटिवेटेड जो भी लीना गरड़ या उसकी जो उनकी जो कॉलोनी फोरम है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड इस डबल टैक्स के मामले को उठाया गया, मतलब राजनीतिक फायदे के लिए ऐसा किया गया, क्या वाकई ये राजनीतिक फायदा कोई बड़ा है जिसके लिए या चुनावों को देखते हुए एक तरह का एजेंडा उठाया गया, आपकी क्या राय है? नहीं, इसके वजह से लोग हमारे हैं काफी वो सयाने हैं, उनको बराबर पता है कौन उनके लिए काम कर रहा है, कौन डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है। आज पनवेल महानगर पालिका ये नवीमुंबई का एक महत्वपूर्ण ऐसा हिस्सा है, यहाँ पे लोग आते हैं तो वो उनका खुद का विकास हो और उसके साथ में उनके जो इमोशनल बॉन्डिंग्स है लोगों के साथ में, जो उनके इमोशनल बॉन्डिंग्स है वो अच्छे तरीके से वो डेवलप हो, इसके लिए ही वो पनवेल में रहने के लिए आते हैं, तो यहाँ पे डेवलपमेंट को वो काफ़ी ज़्यादा महत्व देते हैं, और उसकी वजह से ही उनको अच्छी तरह से पता है कि नरेंद्र मोदी जी की बीजेपी यही यहाँ पे डेवलपमेंट ला सकती है। कोई भी ऐसे लोग हो जो गलत तरीके का माहौल खड़ा करने का प्रयास करेंगे कोई उसका फायदा नहीं होगा, लोग सिर्फ कुछ देर के लिए यहाँ पे भेज सकते हैं पर ये प्रयास बहुत ज्यादा देर के लिए ये सफल नहीं हो सकता है, लोगों को अच्छी तरीके से पता है कौन काम करता है कौन नहीं, और उसकी वजह से नरेंद्र मोदी जी के पीछे वो हमेशा रहते हैं। अभी भी आप देखते हैं अभी ये हफ्ते में ही वर्ल्ड लीडर्स में सबसे टॉप में मोदी जी का वापस फिर एक बार उनका मतलब ये शायद ये कॉन्सिक्यूटिव छठा या सातवां साल रहेगा कि उनका बार बार नाम आ रहा है, तो लोगों का उन पे उतना विश्वास है, इसकी वजह से ही भारतीय जनता पार्टी के पीछे लोग रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी को भी उसके जिम्मेदारी का एहसास है, तो यहाँ पे कोई भी कितना भी यहाँ पे बहकाने का कोई कोशिश करेगा बहुत ज्यादा वक्त के लिए कोई यहाँ पे वो प्रयास ये सफल होगा ऐसा मुझे लगता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदारी पार्टी है और वो ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। कॉलोनी फोरम आपके खिलाफ कड़ा मुकाबला चुनाव में करने की तैयारी में जुट गया है, क्या क्या प्रतिक्रिया है आपकी? नहीं, वो हर एक को खुद का प्रयास करने का उनको पूरा हक है, वो प्रयत्न करते रहेंगे, पर अगर इसकी जगह पे वो कुछ अच्छे प्रोग्राम लोगों तक लाते थे यहाँ पे ऐसे प्रोग्राम जिसकी वजह से शहर प्रशासन यहाँ पे अच्छी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन दे, इसके लिए अगर वो कोशिश कर रहे हैं लोगों का डेवलपमेंट हो
इसके लिए अगर वो प्रयास कर रहे हैं तो उसका उनको अच्छा फायदा होगा, पर यहाँ पे वो अगर यहाँ पे कुछ गलत फहमियां अगर फैलाने वाले हैं तो मुझे नहीं लगता कि उनको इसका कुछ फायदा होने वाला है। मेरा उनको सुझाव है कि कुछ अच्छे प्रोग्राम्स वो लोगों तक लाए, लोगों को जिसका फायदा हो, लोगों का जिसका इसे विकास हो, ऐसे प्रोग्राम करेंगे तो शायद उनको यहाँ पे शायद वो मतलब बड़े हो सकेंगे। पर आज जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं मुझे नहीं लगता कि उनको यहाँ पे कुछ अच्छा भविष्य है। पनवेल महानगर पालिका क्षेत्र के करदाताओं से आप क्या संदेश क्या देना चाहेंगे सर, क्या अपील करना चाहेंगे? पनवेल महानगर पालिका 110 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ ऐसा पनवेल महानगर पालिका है, इसको बहुत ही अच्छा ऐसा भविष्य है। यहाँ पे हमेशा सभी लोग सूझबूझ से रहते हैं, शांति से रहते हैं, एक दूसरे का डेवलपमेंट हो इसके लिए प्रयास करते हैं। यहाँ पे हमेशा यहाँ पे गवर्नमेंट ने भी इस एरिया को अच्छी तरीके से इसका विकास हो इसके लिए कोशिश की हुई है, प्रयास किया हुआ है। और मुझे विश्वास है कि पनवेल में रहने की वजह से उनका यहाँ पे डेवलपमेंट होगा, उनका विकास होगा। तो इसके लिए आप यहाँ पे पनवेल महानगर पालिका के साथ में और भारतीय जनता पार्टी के साथ में आप रहिए, यहाँ पे ज़रूर आपका डेवलपमेंट होगा। और मुझे पूरा यकीन है पनवेल महानगर पालिका ये आने वाले दस सालों में महाराष्ट्र के टॉप 5 महानगर पालिका शहर में से होगी। तो इसके लिए आप शहर प्रशासन के साथ में, बीजेपी के साथ में रहिए, एक जिम्मेदार नागरिक होने का काम कर्तव्य आप जरूर कीजिए। यहाँ पे प्रशासन जिस भूमिका में है ये भूमिका को आप सपोर्ट कीजिए। आपको जब जब जरूरत होगी हम आप तक पहुँचने का, आपके साथ खड़ा होने का हमेशा कोशिश करते हैं। और आप भी हम पे विश्वास रखिए, टैक्स भरना ये एक जिम्मेदार नागरिक का काम है, ये काम आप जरूर आप पूरा कीजिए और यहाँ पे शहर प्रशासन को आप सहकार्य कीजिए, यही मैं आपसे यहाँ पे मैं दरख्वास्त करता हूँ। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तमाम सवालों का जवाब दिया। और जैसा कि आपने सुना कि सभागृह नेता रहे परेश ठाकुर साहब, बीजेपी के युवा नेता हैं, जो आपका विजन है कि पनवेल बेहतरीन शहर बने, मुंबई या नहीं महाराष्ट्र में जो टॉप सिटी है उनमें इसका नाम शुमार हो, और ये तभी संभव है जब नागरिकों का भी सहयोग इसमें मिलेगा। हम उम्मीद करते हैं कि जो आपका विजन है निश्चित तौर पर सफल होगा। आज की बातचीत में बस इतना ही, दीजिए हमें इजाजत, लेकिन ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए TV1 India Live। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 India Live को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।